चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, गंदी बातें देखने में से, गंदी बातें सुनने से हमारा गंदा चिंतन होता है और हमसे फिर गंदी क्रियाएं होती, फिर परमार्थ की बातें करना बहुत दूर की बात हो गई, फिर वो सब केवल दम्भनाक नाटक होता है। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया, कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है और सारा का सारा कुकर्म। जो गुरु है ना वो कोई व्यक्ति नहीं होते, जो व्यक्ति है ना वो कभी गुरु नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं। हम सब भगवान के ऑफिस हैं, भगवान की ऑफिस है, हम सब भगवान के पोस्टमैन हैं। वास्तविक गुरु भगवान ही है। भगवान के नाम, भगवान की महिमा, भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान तक पहुंचा दी, गुरु भगवान है। हर कार्य भजन हो सकता है। भजन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके हम कहीं एकांत गुफा में बैठेंगे जाके। सबका अपना कर्तव्य है। एकांत सेवन करने वाले को भी समान बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ा इस जगत में और आकर उपदेश दिया, जा जा करके उपदेश दिया है। ऐसे ही आपका कर्तव्य है, आप गृहस्थी में जो है अपनी गृहस्थी को भगवान की पूजा सामग्री बनाइए। भगवान का अगर आश्रय नहीं है और धन है तो गलत मार्ग में ही ले जाएगा, ये पक्की बात है। और भगवान का आश्रय है तो संत समागम होगा, तो विवेकवान होगा, तो एक रुपया व्यर्थ ले खर्चा करेगा, वो यही सोचेगा कि एक रुपया भी ऐसी जगह खर्चा करूं जो धर्मयुक्त हो। और अगर हमारी मृत्यु इसी मिनट में है तो दुनिया का सब डॉक्टर एकत्रित हो जाए तो हमें नहीं बचा सकता, है नहीं? तो अगर आप पूरा प्रयास करते हैं पशु चिकित्सा का और वो नहीं बचता है तो लोग भले गाली दे दे लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पूरा प्रयास किया है। सनकादि से बढ़कर कोई योगीश्वर हो सकता है क्या? वो भी हरिशरणम 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 जपते भगवान की लीला कथा, तो हमें चाहिए भगवान की लीला कथा गाएं, भगवान का नाम जप करें, कथा सुने, दूसरों का परोपकार करें, बस इससे बहुत लाभ प्राप्त, ये सबसे बड़ा योग है, इससे भगवत प्राप्ति होगा। नाम जप है तो सब ठीक है, नाम जप नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। बड़े बड़े योगी जिनकी आराधना करते हैं उन भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी होगा क्या? वो भी नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्र गाते हैं सुनते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं।